उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर धामी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात दी है। मंगलवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति बनी थी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था और माना जा रहा था कि राज्य स्थापना दिवस के आसपास सीएम धामी डीए की सौगात दे सकते हैं। शनिवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी थी। सोमवार को उन्होंने डीए की फाइल पर अनुमोदन दे दिया। अब आज इसके आदेश जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते पर खर्च होने वाली धनराशि की व्यवस्था कर ली है। डीए पर हर महीने 42 से 45 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 4% डीए मिलने से राज्य कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के हिसाब से 550 से लेकर 10,000 रुपए तक की वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।